अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। द व्हील्स ऑफ मूविंग व्हीकल हैव टू वेलोसिटी कंपोनेंट्स। एक मूविंग व्हीकल के व्हील में दो वेलोसिटी कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर वन, जो मोशन होता है व्हील्स का अलोंग द रोड, मोशन ऑफ व्हील्स अलोंग द रोड। एंड नंबर टू, रोटेशन ऑफ व्हील्स अबाउट देयर एक्सिस। टू मूव अ व्हीकल ऑन रोड एज वेल एज टू स्टॉप अ मूविंग व्हीकल, फ्रिक्शन रिक्वायर होती है बिटवीन इट्स टायर एंड रॉड। एक व्हीकल को चलाने के लिए या रोकने के लिए फ्रिक्शन ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द रॉड इज स्लिपरी और टायर्स आर वॉर्न आउट, द टायर्स इंस्टेड ऑफ रोलिंग स्लिप ओवर द रॉड। अगर रॉड स्लिपरी हो या टायर्स थोड़े से फटे हुए हों तो टायर्स रोल नहीं करते, स्लिप होते हैं। व्हीकल विल नॉट मूव इफ व्हील स्टार्ट स्लिपिंग एट सम पॉइंट ऑन स्लिपरी रॉड। व्हीकल हम चला नहीं सकते अगर टायर स्लिप हो रहे हो। दस, फॉर व्हील्स टू रोल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रॉड मस्ट बी इनफ दैट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम स्लिपिंग। तो व्हील्स को रोल करने के लिए क्या ज़रूरी है कि जो फोर्स है फ्रिक्शन की टायर्स और रॉड में वो इतनी ज़्यादा हो कि उन्हें स्लिपिंग से प्रिवेंट कर सकें। सिमिलरली, टू स्टॉप अ कार क्विकली, एक कार को रोकने के लिए लार्ज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर टायर्स और रॉड्स में। लेकिन अगर लिमिट हो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में जो टायर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्रेक्स आर अप्लाई टू स्ट्रांगली, तो व्हील्स कार के लॉकअप हो जाएंगे और कार स्किड करेगी लार्ज मोमेंटम की वजह से। वो अपनी डायरेक्शनल कंट्रोल लूज कर जाएगी, एक्सीडेंट हो सकता है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द चांस ऑफ स्किडिंग, इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू अप्लाई ब्रेक्स टू हार्ड दैट लॉकअप द रोलिंग मोशन, स्पेशली एट हाई स्पीड्स। इसलिए कहते हैं कि ब्रेक एकदम से अप्लाई नहीं करनी चाहिए अभी जोर से जब आप बहुत फास्ट स्पीड पर हो। मोरओवर, इट इज़ अनसेफ टू ड्राइव अ व्हीकल विद वॉर्न आउट ट्रीज। एक फटे टायर से गाड़ी चलाना बहुत डेंजरस है, अनसेफ है, रिस्की है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के एडवांटेजेस भी हैं एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं। फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल व्हेन मूविंग एट हाई स्पीड्स बिकॉज इट अपोजेस द मोशन एंड दस लिमिट्स द स्पीड ऑफ मूविंग कार। फ्रिक्शन अनडिजायरेबल होती है जब हम हाई स्पीड में जा रहे हो। मोस्ट ऑफ यूजफुल एनर्जी, हमारी यूजफुल एनर्जी वो हीट के तौर पर लॉस्ट हो रही होती है और साउंड के तौर पर फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन जो है कॉजेज वेयर एंड टेयर ऑफ मूविंग पार्ट्स। हाउएवर, समटाइम्स फ्रिक्शन इज मोस्ट डिजायरेबल। कभी कभार फ्रिक्शन ज़रूरी होती है। वी कैन नॉट राइट इफ देयर विल बी नो फ्रिक्शन बिटवीन पेपर एंड पेंसिल। अगर पेपर और पेंसिल के दरमियान कोई फ्रिक्शन ना हो तो हम लिख नहीं सकते। फ्रिक्शन हमें इनेबल करते हैं कि हम वॉक कर सकें, ताकि हम वी कैन नॉट रन ऑन स्लिपरी ग्राउंड। एक स्लिपरी ग्राउंड बहुत कम फ्रिक्शन ऑफर करता है। तो जो एनीबॉडी हू ट्राइज टू रन ऑन स्लिपरी ग्राउंड मे मीट एन एक्सीडेंट। इसी तरह डेंजरस है कि अगर हम ब्रेक्स अप्लाई करें फुल फोर्स के साथ डिस्टर्ब अ फास्ट मूविंग व्हीकल ऑन स्लिपरी रोड। बर्ड्स उड़ नहीं सकते अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो, तो रेजिस्टेंस इज इम्पॉर्टेंट। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय सर्टेन मेथड्स। मेकिंग द स्लाइडिंग सर्फेसिस स्मूद, जो स्लाइडिंग सर्फेसिस हैं उन्हें स्मूद बना दें। मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स अ स्ट्रीमलाइन शेप, सच एज कार्स, एरोप्लेन्स एट्सेट्रा। दिस कॉजेज अ स्मूद फ्लो ऑफ एयर एंड दस मिनिमाइजेस एयर रेजिस्टेंस एट हाई स्पीड। क्या करें कि फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रीमलाइन शेप, फिश शेप में बना दें। ये क्या करेगी, स्मूद फ्लो करेगी एयर का और मिनिमाइज करेगी एयर रेजिस्टेंस। लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सर्फेसिस, स्लाइडिंग सर्फेसिस को ग्रीस कर दें, ऑयल कर दें, लगा दें, थोड़ा सा लुब्रिकेट कर दें। यूजिंग द बॉल बियरिंग्स और रोलर बियरिंग्स बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वी केम अक्रॉस मैनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ दैट आर मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ। टेक अ स्मॉल स्टोन, टाई इट एट वन एंड ऑफ स्ट्रिंग एंड कीप द अदर एंड ऑफ स्ट्रिंग इन योर हैंड। नाउ रोटेट द स्टोन होल्डिंग द स्ट्रिंग। The stone will move in a circular path. The motion of stone will be called as circular motion. जो motion है moon का earth के गिर्द वो circular है। The motion of an object in circular path is known as circular motion. Students, ये definition है circular motion की। The motion of an object in circular path is known as circular motion. Our next topic is centripetal force. Consider a body that
tied at the end of string moving with uniform speed in circular path. एक body consider करें जो string के end पर tie up हुई हुई है और एक uniform speed के साथ circular path में move कर रही है. Body की tendency क्या straight line में move करेगी inertia की वजह से. तो ये body circular path में क्यों move कर रही है? जो string body का साथ tie है वो इसे that keeps it to move in circular by pulling the body towards center of circle. स्ट्रिंग जो है बॉडी को परपेंडिकुलर पुल करता है उसके मोशन के लिहाज से. तो जो पुलिंग फोर्स है दैट कंटिन्यूसली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड रिमेन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल इट इज कॉल्ड ए सेंट्रिपिटल फोर्स. इट कीप्स द बॉडी टू मूव इन सर्कल. सेंट्रिपिटल फोर्स एक बॉडी को सर्कल में मूव करवाती है. इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू मोशन ऑफ बॉडी. सेंट्रिपिटल फोर्स की स्टूडेंट्स डेफिनेशन है इट इज अ फोर्स That keeps a body to move in circle. ये एक ऐसी फोर्स है जो बॉडी को सर्कल में मूव करवाती है. फॉर एग्जाम्पल ये हम एग्जाम्पल बार-बार पढ़ चुके हैं कि एक स्टोन को टाई करो एक स्ट्रिंग के साथ और उसे घुमाएं आप लोग तो स्टोन जो सर्कल में घूम ही जा रहा है. अगर स्ट्रिंग इतना स्ट्रांग इनफ नहीं होगा तो टूट जाएगा और स्टोन बाहर की तरफ मूव करेगा. मून जो है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की प्रोवाइड करती है नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. लेट अ बॉडी ऑफ मास एम मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड वी इन सर्कल ऑफ रेडियस आर. कंसिडर हम करें एक बॉडी जिसका मास एम है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड वी के साथ एक सर्कल जिसका रेडियस आर है सो मूव कर रही है. जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड हो रही है दैट इज गिवन बाई ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी. तो एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर. सेंट्रीफ्यूजल फोर्स क्या है? कंसिडर अ स्टोन जो एक स्ट्रिंग के साथ टाइड है जो सर्कल में मूव करे. नेसेसरी सेंट्रीफ्यूजल फोर्स एक्ट करे स्टोन पर के उसे सर्कल में रखे. अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक रिएक्शन भी एग्जर्ट हो रहा है सेंट्रीफ्यूजल फोर्स का. सेंट्रीफ्यूजल रिएक्शन जो स्ट्रिंग को आउटवर्ड रख रही है उसे सेंट्रीफ्यूजल फोर्स कहते हैं. एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. अ स्टोन ऑफ मास मास गिवन है इज अटैच टू स्ट्रिंग 1 meter लॉन्ग. लेंथ भी गिवन है ठीक है. स्टोन सर्कल में रोटेट करे स्पीड गिवन है. सॉरी रेडियस गिवन था वो. टेंशन क्या है? एफ सी. तो उसका फॉर्मूला हमें पता है एम वी स्क्वायर ओवर आर. बैंकिंग ऑफ रोड्स. व्हेन अ कार टेक्स टर्न सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू कीप इन इट्स कर्व ट्रैक. जब एक कार जो है टर्न लेती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर होती है कि उसे उसके कर्व ट्रैक में रखे. जो फ्रिक्शन है टायर्स और रोड्स में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करिए. कार स्किड कर जाए अगर फ्रिक्शन जो फोर्स की और टायर्स और रोड सफिशिएंट ना हो. ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं बाय बैंकिंग ऑफ कर्व रोड्स. बैंकिंग मीन्स कि जो आउटर एज होता है रोड का हम रेज कर देते हैं. बैंकिंग कॉजेज अ कंपोनेंट ऑफ व्हीकल्स वेट टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स व्हाइल टेकिंग अ टर्न. बैंकिंग क्या करता है? एक व्हीकल को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है टर्न लेते हुए. Thus, banking of roads prevents a skidding of vehicle and thus makes driving safe. Washing machine dryer. हम देखते हैं ड्रायर जो होते हैं एक बास्केट स्पिनर होते हैं. दे हैव परफ्यूरेटेड वॉल्स. एक वॉल जिसमें डिफरेंट होल्स होते हैं. लिड जो होते हैं सिलेंड्रिकल कंटेनर का क्लोज होता है जब हम वेट क्लोथ में डाल देते हैं और जब वो हाई स्पीड पर स्पिन करते हैं तो वाटर जो इन होल से बाहर की तरफ निकलता है ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. क्रीम सेपरेटर. मोस्ट मॉडर्न प्लांट्स एक सेपरेटर यूज करते हैं ताकि कंट्रोल कर सके फैट कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स. सेपरेटर एक हाई स्पीड स्पिनर है. इट एक्ट्स ऑन सेम प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन. बाउल स्पिन करते हाई स्पीड पर कॉजिंग द हैवियर कंटेंट्स ऑफ मिल्क टू मूव आउटवर्ड और लाइटर कंटेंट्स इनवर्ड. जो क्रीम या बटर फैट होती है वो लाइटर होती है अदर कंपोनेंट्स से. तो स्किम्ड मिल्क विच इज डेंसर देन क्रीम वो आउटर वॉल्स पर आ जाता है और लाइटर पार्ट दरमियान में रहता है.